प्रहलाद पटेल ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री पटेल ने कहा है कि सनातन में संत परंपरा की चेतना संत रविदास थे और उनका भव्य मंदिर सागर में बनने जा रहा है, जहां से देश दुनिया में आध्यात्म और समरसता का संदेश जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सागर जिले के विकास ढाना इलाके में कार्यक्रम में आ रही हैं। वो प्रहलाद पटेल के संसदीय क्षेत्र दमोह का हिस्सा है और इसे लेकर मंत्री पटेल ने पीएम सहित तमाम अतिथियों का आभार भी जताया है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। समरसता की ज्ञान मूर्ति और 1000 साल लगभग पहले जिनने पूरे देश और दुनिया पर ये धाक जमाई सनातन की, ऐसे संत रविदास जी का एक चेतना केंद्र, एक प्रेरणा केंद्र आज प्रधानमंत्री उसकी आधारशिला रख रहे हैं। सनातन की इस परंपरा में जो संत परंपरा के सूर्य माने जाते हैं रविदास जी, उनका मंदिर वहां बन रहा है, उसका भूमि पूजन होगा, लेकिन सभा का स्थान मेरे लोकसभा क्षेत्र ढाना ग्राम में है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, महान राज्यपाल का, जितने भी अतिथि आ रहे हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ। हम सब सौभाग्यशाली है कि दमोह लोकसभा में आज प्रधानमंत्री इस शुभ अवसर पर उपस्थित है और इस पुण्य कार्य का अवसर दमोह लोकसभा को भी मिला, ढाना ग्राम को मिला। मैं हृदय से आभार व्यक्त